हेलो स्टूडेंट्स, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन यानी दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन मानसून के मौसम को पीछे छोड़ते हुए अराउंड द मंथ ऑफ सितंबर विथ द सन रिट्रीटिंग साउथवार्ड, मतलब सितंबर के महीने में सूरज दक्षिण की ओर पीछे हटता है, रिट्रीटिंग साउथवर्ड, द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया बिगिंस टू कूल रैपिडली, और भारत का उत्तरी भाग नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया भारत के उत्तरी भाग तेज़ी से ठंडा होता है, कूल रैपिडली यानी तेज़ी से ठंडा होता है, द एयर प्रेशर बिगिंस टू बिल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत उत्तर भारत के ऊपर एयर प्रेशर बिगिंस यानी उत्तर भारत के ऊपर वायु दबाव का निर्माण होता है, दिस कॉज द कोल्ड विंड्स टू क्रॉस ओवर द हिमालयाज एंड मूव टुवर्ड्स द साउथ ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, यह ठंडी हवाओं को हिमालय के ऊपर से पार करने एंड मूव टुवर्ड्स द साउथ ऑफ डेक्कन प्लेट्यू और डेक्कन की पठार के दक्षिण की ओर मूव करने की ओर बढ़ने का कारण बनता है, दिस इज नोन एज रिट्रीटिंग मानसून, इसे पिछले हटने वाले मानसून के नाम से भी जाना जाता है, द मानसून वाइल ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन पिक्स अप मॉइस्चर फ्रॉम द वे ऑफ बंगाल एंड प्योर्स एज रेन इन पेनिनसुलर इंडिया, यह मानसून ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन यानी भारतीय महासागर की ओर यात्रा करते समय पिक्स अप मॉइस्चराइजर फ्रॉम द वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और वो इसे नमी उठाता है एंड प्योर्स एज रैन इन पेनिनसुलर इंडिया और प्रायद्वीपीय भारत में बारिश के रूप में रैन होता है यानी बरसात होता है, द स्टेट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा गेट लेस रैनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून बट रिसीव हैवी रैनफॉल from the retreating monsoon during the months of October and November. Yani the states on the eastern coast yani purvi tat ke rajyon mein Tamil Nadu, Andhra Pradesh aur Odisha get less rainfall from the southwest monsoon yani dakshin paschim se kam varsha hoti hai but receive heavy rainfall फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर, लेकिन अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान पीछे हटने वाले मानसून में काफ़ी हैवी वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है, द नॉर्थ ईस्ट मानसून उत्तर पूर्वी मानसून, द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स डैट ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग रैन ब्रिंग रैन ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी यानी उत्तर पूर्वी मानसून हवाएँ जो ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी जो दिसंबर और जनवरी के दौरान भूमि से समुद्र की ओर उड़ती है या बारिश लाती है उसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और ये कंप्लीट द फ्लोइंग वेब चार्ट, इस वेब चार्ट को आपको कंप्लीट करना है जिससे इंडिया में को कितने 3
थ्री जोन में डिवाइड किया गया है, फिजिकल फीचर्स, सीजन्स, पॉलिटिकल डिवीजन्स। फिजिकल फीचर्स को कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया है ये हम आपको पिछले वीडियो में बुक की रीडिंग में पढ़ा चुके हैं, इसको आपको खुद से कंप्लीट करना है। जैसे कि फिजिकल फीचर्स, ये आपका फिजिकल फीचर्स इंडिया का मैप है जिसमें यह रहा माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, द थार डिजर्ट, प्लेट्यू रीजन, द कोस्टल प्लेन्स, ये आप लिख सकते हैं, ये पांचों का नाम लिख सकते हैं या फिर ये पांच आप नोट कर सकते हैं फिजिकल फीचर्स के अंतर्गत। इसी तरह आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट करना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था फिल इन द ब्लैंक्स इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस, यहाँ पे क्या हुआ क्लाइमेट। उसी तरह द साउदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया इज डॉटेड एंड द साउदर्न मोस्ट टिप इज डॉटेड, ये आपको बुक से रीड करके पहले खुद से ट्राई कीजिए। के नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट पेज ये रहा, सी में ट्रू फॉल्स है, राइट वेदर फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और जो सही है उसके लिए ट्रू, जो गलत है उसके लिए फॉल्स लिखनी है। आपको यहाँ तक खुद से ट्राई करना है। नाउ स्टूडेंट्स योर क्लास इज़ ओवर, ओके बाय बाय स्टूडेंट्स।